और आम जनता की कौन सुने, यहां जनता के नुमाइंदे भी भ्रष्ट तंत्र से परेशान है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बीकानेर में वार्ड नंबर 28 की पार्षद पिछले कई महीनों से अंधेरे में अपने दिन काटने के लिए मजबूर हैं। ये हैं शकूरा बानो, बीकानेर के वार्ड नंबर 28 की पार्षद। अपने इलाके की जनता की परेशानियों को दूर करना, उनका हल निकालना इनका कर्तव्य है, लेकिन ये खुद ही बड़ी परेशानी में है और इनकी परेशानी की वजह बना है बिजली विभाग। दरअसल शकूरा बानो बीपीएल परिवार से हैं। इनका घर भी सरकारी मदद से ही बना हुआ है और घर में एक बल्ब और पंखे के अलावा बिजली का कोई दूसरा उपकरण नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि बाबू जिसके इनका बिजली का बिल 57,000 रुपए से भी ज्यादा का है। आज गरीब के घर पर एक एक लट्टू और एक पंखे के अंदर 57,000 का बिल भेजा है तो मैं कहाँ से भरूँ, मेरे को 2175 रुपए मिलते हैं। महिला पार्षद का कहना है कि साल 2008 में उन्होंने आखिरी बार बिजली का बिल भरा था, लेकिन विभाग ने उनका बिजली मीटर चेंज कर दिया, जिसके बाद से बिजली का बिल कभी 200 यूनिट तो कभी 400 यूनिट आने लगा। इस बाबत कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन बजाय उनकी परेशानी दूर करने के बिजली विभाग ने 3 महीने पहले उनके घर का कनेक्शन ही काट दिया और अब पार्षद अंधेरे में ही अपने परिवार के साथ दिन काट रही है। लेकिन ये बात समझ से बिल्कुल परे है कि आखिर एक बल्ब और एक पंखे चलने से इतना बिल कैसे आ सकता है। आप आके देख सकते हो कि मेरे घर की कंडीशन क्या है, क्या मेरे घर में कितने लट्टू चल रहे हैं, कितनी एसी चल रही है, कितने पंखे चल रही है। ये बड़े से बड़े चीफ को मैंने उनको भी बोल दिया कि बड़े चीफ को बुला के मेरे घर मकान की इंक्वायरी करवाओ। इस बारे में जब बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि मीटर में तो ऐसी कोई टेक्निकल परेशानी नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा है तो उसकी जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक पार्षद की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आई है और बिजली कनेक्शन दोबारा चालू करने के लिए भी पहले पुराना बिल जमा करना जरूरी होगा। उसका जो भी बिल है अगर गलत आया हुआ है तो उसको सही कर देंगे, परंतु पुराना जो भी पैसा है वो जमा कराएं तभी कनेक्शन चालू हो पाएगा। एज पर नियम के अनुसार बकाया राशि उन्होंने पिछले 4.5 साल से जमा नहीं करवाई। बिजली विभाग की तकनीकी खामियों का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। शिकायत करने के बाद भी कोई भी महिला पार्षद की परेशानी का हल निकालने को तैयार नहीं। नतीजतन महिला पार्षद का पूरा परिवार इस गर्मी में भी बिना रोशनी और पंखे को रहने को मजबूर है। के सिंह, सहारा न्यूज़, बीकानेर।